हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में हम लोग कनेक्शन चैप्टर स्टार्ट किए थे। कनेक्शन चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो हमारा रिबेट है। तो रिबेट को आइए देखते हैं कि रिबेट एक्चुअली होता क्या है और इसका डिफिनेशन हमें क्या कहता है। इट इज अ मैकेनिकल फास्टनर कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मूथ सिलेंड्रिकल शाफ्ट विथ अ हेड। इसमें जो है रिबेट में एक स्मूथ सिलेंड्रिकल शाफ्ट होता है। जैसे रिबेट का मैं फिगर बनाता हूँ, एक्चुअली वो दिखते कैसे हैं, तो ये उसका एक सिलेंड्रिकल शाफ्ट है और उसका ये हेड है। इस तरीके का कुछ रिबेट दिखता है। ये रिबेट का एक टाइप है, बटन रिबेट में आता है या इसको स्नैप रिबेट भी कहते हैं। तो ये एक्चुअली करता क्या है कि जैसे आपका ये दो प्लेट है, उस दो प्लेट को जोड़ने का काम करता है। ये आपका एक प्लेट हो गया और ये भी एक प्लेट हो गया। अब इस दोनों प्लेट को मुझे जोड़ना है। अब इस प्लेट के ऊपर मैंने एक और प्लेट लगाया और इसको क्या किया, एक रिवेट के माध्यम से इसको जोड़ दिया। रिवेट के माध्यम से इसको क्या किया, हम लोग जोड़ दिए। तो ये क्या करता है ना, एक्चुअली में फास्टनर कहने का अर्थ होता है कि दो प्लेट को या दो कोई भी आपका सिस्टम स्ट्रक्चर है उसको क्या करता है कि ये जोड़ देता है। ये एक मैकेनिकल फास्टनर हो गया। और इसमें जो ये आता है ये वर्ड जो स्मूथ सिलेंड्रिकल शाफ्ट, एक्चुअली इसमें शाफ्ट जो हो गया आपका ये पार्ट जो है इसका टेल जो होता है, ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल शाफ्ट। ये आपका सिलेंड्रिकल शाफ्ट हुआ और इसका ये जो पोर्शन है ये पोर्शन हम लोग हेड कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जब आप इसको इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉलेशन के बाद अपॉन इंस्टॉलेशन द एंड ऑफ द शाफ्ट एक्सपेंड क्रिएटिंग अ सॉफ्ट हेड एंड फासन ऑब्जेक्ट इन प्लेस। अगर जब दो ऑब्जेक्ट को एक सही तरीके से उसको जोड़ना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप इसे इंस्टॉल करोगे विद अ हैमर और या आप जो वर्कशॉप में काम करेंगे वहां पर आपको जो सुविधा मिलेंगी उससे अगर जब आप इसको दोनों को फासन करते हैं, मतलब दोनों को जोड़ते हैं, तो फिर क्या होता है ना कि इसका जो शाफ्ट वाला पोर्शन है, एंड ऑफ द शाफ्ट जो है ये वाला जो पोर्शन है ये क्या करता है, हल्का एक्सपेंड कर जाता है, जो कि एक्सपेंड करने के बाद ऐसा होगा कि ये बाहर नहीं निकलेगा। और अगर जब इसकी यूज की बात करें तो यूज क्या कहता है, इट इज यूज्ड फॉर सपोर्टिंग शियर एंड टेंसाइल लोड। जो आपका शियर है और जो टेंसाइल लोड है उसको क्या करता है, ये बियर करने में या उसको सपोर्ट करने में एक रिवेट का यूज होता है। अब हम लोग जो है इसके बाद हम लोग रिबेट का जो टाइप है उसको हम लोग देखेंगे कि रिबेट को एक्चुअली में कैसे हम लोग दिखाते हैं। जैसे हमारा एक चेन रिबेटिंग होता है तो रिबेटिंग का टाइप का आइए हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में रिबेटिंग का टाइप क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिबेट। टाइप्स ऑफ रिवेटिंग की अगर हम लोग बात करते हैं अरेंजमेंट को देखते हुए कि किस तरीके से अरेंजमेंट है, तो इसमें हम लोग तीन टाइप को पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है हमारा चेन रिवेटिंग के बाद हमारा दूसरा आता है जिगजैग रिवेटिंग। जिगजैग रिवेटिंग और तीसरा जो हमारा वो होता है डायमंड रिवेटिंग। आइए हम लोग एक एक करके इसको डिफिनेशन की ओर बढ़ते हैं और इसको हम लोग दिखाते हैं कि एक्चुअली चेन रिबेटिंग कैसा होगा। अगर हम लोग चेन रिबेटिंग की बात करें तो चेन रिबेटिंग में आपको ये चेन वर्ड से ही पता चलता होगा कि जो रिबेटिंग हम लोग करेंगे वो एक चेन में होगा। अगर मान लीजिए मेरे पास एक प्लेट है, अब ये एक चेन जैसा है, ये आपको देखने के मिलेगा। जैसे आपका ये अगर जो प्लेट है, आप यहाँ पे रिबेटिंग किए हुए हैं, तो एक रिबेट ये, दूसरा रिबेट ये और ये तीसरा रिबेट, ये सारे रिबेट क्या है आपको चेन में मिलेंगे। और ये वाला भी जो लाइन है आपका रिवेटिंग का जो लाइन है ये भी क्या है, लाइन में। अगर जो आप इसको बाहर से देखिएगा, जो आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह आएगा उस न्यूमेरिकल्स में आप देखेंगे कि ये जो रिवेटिंग आपको दिखेगा वो एक्चुअली में कैसा दिखेगा। ये जो इस वाले जो चेन वाली रिवेटिंग है, इस चेन का यहां से आपको दिखेगा, फिर इस वाले का ऐसा वाला पोर्शन आपको देखने के लिए मिलेगा प्लेट में, या आप ऐसे कह सकते हैं इस तरीके से आपको मिलेगा। और ये हो गया आपका चेन रिवेटिंग।
चैन रिबेटिंग में जो होता है, जैसे आपका अगर हम लोग इस तरीके से हम लोग एक बना के बताएं कि एक प्लेट में अगर जो चैन रिबेटिंग कर रहे हैं, तो चैन वाला अगर ये रिबेटिंग है किए हुए हम लोग, ये रिबेटिंग देखिए एक लाइन में है एक चैन में है। और सबसे पहले जो आप अगर जब फेल्योर की बात करें कि इस चैन रिबेटिंग में एक्चुअली फेल्योर कहां पे होगा, तो चैन रिबेटिंग में फेल्योर जो होगा सबसे जो पहला वाला रिबेट है आपका अलोंग द लाइन जो ये प्लेट वाला है, सबसे पहला ये रिबेट यहां पे आपका क्या करेगा, वो फेल करेगा। और इसमें अगर हम फेल्योर की बात करें तो चैन लाइन के द्वारा ही अगर ये फेल करेगा फिर ये फेल करेगा, तो इसमें नमनिंग हम लोग न्यूमेरिकल बनाने वक्त इसको हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आता है। और सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि सबसे पहले कौन सा रिबेट इसमें फेल करेगा, ये आउटर वार्ड में जो आपका आउटर लाइन वाला सबसे पहला जो रिबेट है, या तो ये करेगा या ये करेगा या ये करेगा या ये करेगा, जो आउटर एरिया में आपका है बस वही करेगा आपका चैन रिबेटिंग। ये था हमारा चैन रिबेटिंग। और इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो लगभग में मतलब ठीक ठाक इसका स्ट्रेंथ आपको मिलेगा। और अगर जो दूसरा हम लोग जिगजैग रिबेटिंग की बात करें, तो जिगजैग रिबेटिंग कहने का अर्थ होता है कि जो आपने रिबेटिंग किया है, जो प्लेट में जोड़ा है रिबेटिंग किया है, वो रिबेट जो होगा आपका वो रेंडमली होगा प्लेट पे। जैसे आपका ये प्लेट है, ये एक प्लेट है, उस प्लेट में अगर रेंडमली हमें मुझे रिबेट लगाने हैं, जैसे एक रिबेट यहां लगाया, दूसरा रिबेट यहां लगा दिया, तीसरा रिबेट कुछ इस तरीके से यहां लगा दिया, चौथा रिबेट यहां लगा दिया, पांचवा रिबेट यहां, छठा रिबेट, सातवां रिबेट, इस तरीके से आपको रिबेटिंग किया हुआ है, तो इसमें जो होगा ये किसी भी जगह से आपका क्या कर सकता है, प्लेट आपका फेल करेगा। इसमें रेंडमली आपको फेल करेगा आपका प्लेट, कहीं से भी आपको ये फेल कर सकता है। इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है चैन रिबेटिंग का। अगर जब हम लोग तीसरे टाइप में देखें कि ये डायमंड रिबेटिंग क्या होता है, तो डायमंड रिबेटिंग की अगर जब बात करें, तो ये जो रिबेटिंग होगा ये कुछ डायमंड शेप का होगा। अब डायमंड शेप कहने का अर्थ क्या होता है, जैसे आपका एक रिबेट यहां है, एक रिबेट यहां है, एक रिबेट यहां, इस तरीके से रिबेटिंग किया हुआ। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये जो रिबेटिंग किए हैं ये क्या होगा कि डायमंड का शेप लेगा। ये जो देखिए ये जो डायमंड रिबेटिंग है इसको हम लोग एक डायमंड के जैसे इसमें शेप बना, जो रिबेटिंग किया उस तरीके से हम लोग रिबेटिंग करेंगे जो कि हमारा एक डायमंड का शेप लेंगे। और इसका जो स्ट्रेंथ होता है सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इसी का होता है, डायमंड रिबेटिंग का ही। तो इसके बाद जो हमारा आता है वो अगर जब टाइप्स ऑफ रिबेट की अगर जब बात करें, तो उसके शेप के अनुसार से, जैसे मैंने अभी आपको बताया एक बटन वाला है, उसके बाद हम लोग जो शेप के अनुसार से होता है उसको हम लोग देखेंगे। ये था आपको अरेंजमेंट के आधार पे, अरेंजमेंट के आधार पे आपका ये रिबेटिंग का टाइप था। और अब जो क्लासिफिकेशन है शेप के टाइप, शेप के आधार पे इसका जो टाइप है रिबेट का वो कैसा होता है, वो कितना होता है, उसके बारे में देखेंगे। शेप कहने का अर्थ है कि ये अगर जब मार्केट में आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ शेप देख के आप खरीदेंगे, तो आपको जो शेप है उसका जो बनावट है, जो मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी है किस प्रकार से है, उसके आधार पे आपको जो है क्लासिफिकेशन किया है। तो वो है आपका सबसे पहला क्लासिफिकेशन इसमें स्नैप रिबेट। स्नैप रिबेट में ये इसको हम लोग जो है बटन रिबेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बटन रिबेट, बटन रिबेट भी इसको कहते हैं। और इसका जो ये दिखने में कैसा होगा, इस प्रकार से होगा। बटन इसलिए कहा गया है कि मशरूम जो आप देखे होंगे, बटन मशरूम आप लोग जानते होंगे, तो बटन मशरूम जैसा ये दिखता है, ये वाला पोर्शन इसका, ये वाला पोर्शन ये बटन जैसा, बटन मशरूम जैसा ही दिख रहा है, तो इसलिए इसको बटन रिबेट या स्नैप रिबेट के। अब इसमें जो है इस पे जो काउंटर करने वाली पार्ट है, जो जैसे हम लोग हैमर से इस पे वार करेंगे, तो वो कहां पर करेंगे, ये वाले पोर्शन पे, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग कहते क्या है, ये रिबेट का हेड है, और ये क्या है, ये जो सिलेंड्रिकल शाफ्ट जैसा जो है उसको हम लोग सेंक कहेंगे। और इसमें दूसरा क्लासिफिकेशन जो है वो है फ्लैट काउंटर श्रंक रिबेट। और फ्लैट काउंटर कहने का अर्थ है, ये जो काउंटर कहने का अर्थ है जिसपे आप काउंटर करने वाले हो, जिसपे आप हैमर से वार करने वाले हो, वो कहां पर होगा, ये सरफेस ये फ्लैट होगा। और श्रंक कहने का अर्थ है आपको ये वाला जो पोर्शन है, देखिए ये श्रंक किया हुआ है, मतलब इसको जो है सिकुड़ा गया है, ये नीचे आया है, ये वाला भी पोर्शन इसमें इसका हेड हो गया, और ये वाला पोर्शन क्या हो गया, इसका सेंक हो गया। जो तीसरा क्लासिफिकेशन है उसमें क्या है, राउंड काउंटर श्रंक रिबेट। ये श्रंक पोर्शन है, और काउंटर करने वाली पार्ट कैसा है, राउंड काउंटर है, ये जो पार्ट है ये राउंड जैसा है, और हैमर से इसी पे आप जो है वार कीजिएगा, इस पे प्रेशर अप्लाई कीजिएगा हैमर से, ताकि ये अच्छे से जो फिट हो सके जो आपका प्लेट है। और जो चौथा प्रकार है इसमें,
वो है पेन रिबेट। पेन रिबेट कहने का अर्थ होता है, ये पेन इसलिए कहा गया है कि गांव घर में आप काटी अगर जब खरीदने जाते होंगे, जो हम लोग बांस का जो वर्क करते हैं, जो बांस पे वर्क करते हैं, उस पे हम लोग क्या करते हैं कि काटी से काम करते हैं। जो काटी होता है या चदरा जो होता है, गांव घर में जो चदरा सुने होंगे, वो जो चदरा होता है उसको ठोकने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं ना कि पेन टाइप का जो काटी आता है ना उसका हम लोग यूज करते हैं। पेन कहने का अर्थ होता है वो टोपिया जैसा दिखता है। ये क्या होगा, ये जो ये पार्ट छिपा हुआ रहता है, ये अंदर वाला, ये टोपिया जैसा आपको दिखेगा और इस पे हम लोग क्या करते हैं, हैमर से जो है प्रहार करते हैं और प्रेशर अप्लाई करते हैं और ये क्या होता है फिट हो जाता है आपके प्लेट में। अब हम लोग जो है इसका जो है क्लासिफिकेशन तो देख लिए, अब आगे जो हम इसके बारे में बात करेंगे कि हमारा जो कुछ बेसिक टर्म्स वगैरह होगा उसके बारे में बात करेंगे। और मैं आपको मतलब पीछे में आपको ये बता नहीं पाया था कि जो आपका जैसे डायमंड रिबेटिंग था, तो वो देखिए मतलब एक मैं ये रखा हूं, ये डायमंड रिबेटिंग कहने का अर्थ है कि ये आप जो रिबेटिंग किए थे, रिबेटिंग जो किए हैं तो वो शेप देखिए, ये यहाँ पे एक रिबेटिंग किए हैं, एक रिबेटिंग यहाँ किए, फिर यहाँ किए, तो ये देखिए एक डायमंड का शेप ले रहा है, ये आपका प्लेट है। इस प्लेट पे आप जब रिबेटिंग किए हैं तो वो किस प्रकार से किए हैं, डायमंड रिबेटिंग। और ये बाहर मतलब ये पोर्शन आप तो यहाँ प्रेशर अप्लाई करके अंदर इसमें जो है क्या किए हैं, अंदर इसमें डाले हैं, और ये वाला जो पोर्शन है जो बाहर आएगा वो कुछ इस प्रकार से ही दिखेगा, जैसा इधर है वैसा ही दिखेगा, यह भी डायमंड शेप जैसा ही ये बाहर वाला पोर्शन आएगा। अब जो ये तो हो गया आपका डायमंड शेप का, अब जो एक रैंडम वाला भी था कि आप इसका देखिए दोनों के बीच ना तो कोई लेंथ होगी, कहीं पर भी आप जो है ये अगर जो प्लेट है आपका, आप कहीं पर भी जो है आप अपना जो है रिबेट को लगा सकते हैं। ये था हमारा मतलब जो है शेप के आधार पे क्लासिफिकेशन, और आगे हम लोग और भी बात करेंगे रिबेट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।